नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिस पे आपको जानने को मिलेगा की वर्ल्ड एनिमे सीरीज और भी बहुत कुछ तो बिना देर किए जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं केप ऑप ग्रुप एक्सो के बारे में तो चलो बिना देर किए जानते हैं एक्सो एक, एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है जिसे 2011 में बनाया गया था जिसने एस एंटरटेनमेंट के तहत दो में डेब्यू किया था एक्सो में, में नौ मेंबर्स हैं इस ग्रुप में शुरुआत में 12 मेंबर्स थे जिसके बाद 102 हिस्सों में बट गया था पहला ग्रुप एक्सो एम मतलब कि कोरियन 2013 में का पहला स्टूडियो एल्बम एक्सो एक्सो में उन्हें बहुत सफलता मिली उनकी एल्बम ने एक मिलियन सेलिंग करके जिससे एक्सो बारह वर्षो में ऐसा करने वाला पहला केप ऑप ग्रुप बन गया था दरमियान 2014 और 2015 में क्रिस लुहान ओ ने एक्सो और एस एम एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था तब से एक्सो में नौ मेंबर्स हैं 2016 में, में मेंबर्स चैन बेखुम शुमिन ने सब यूनिट एक्सो सी में शुरुआत की 2019 में, में मेंबर उन्नीस और चैनियल ने सब यूनिट एक्सो एस से शुरुआत की एक्सो के फैंस को एक्सो एल कहा जाता है अभी हम जानते हैं मेंबर्स के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रुप के बड़े मेंबर यानी शुमिन से का पूरा नाम किम मिनसुक है उनका जन्म 26 मार्च 1990 को गुरी ग्योंगी साउथ कोरिया में हुआ था वो एक्सो में सबसे बड़े मेंबर वो ग्रुप में वोकलिस्ट है उन्होंने 26 सितंबर 2022 हजार बाईस एज ए सोलो डेब्यू किया था नंबर दो सोहो सोहो का पूरा नाम किम जोनमियॉन है उनका जन्म 22 मई 1991 को अपुजोंग जो कि सोल का नेबरहुड है वहां हुआ था वो एक्सो में लीडर है और साथ ही साथ ग्रुप में वोकलिस्ट है उन्होंने 30 मार्च 2020 को एज अ सोलो डेब्यू किया और सोहो आइडल के साथ साथ एक्टर भी हैं नंबर ले ले का पूरा नाम शियांग है। ले एक चाइनीज मेंबर है उनका जन्म 7 अक्टूबर उन्नीस को चांगशा युनान चाइना में हुआ था वो एक्सो में मेन डांसर और वोकलिस्ट है ले एक्टर और सोलो आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने 2020 में अपनी खुद की कंपनी एंटरटेनमेंट जो कि चाइना में स्थित है वहां शुरू की थी ले ने अप्रैल 2022 में एसएम एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था पर वो एक्सो के मेंबर अभी भी हैं। नंबर चार बेखुम बेखुम का पूरा नाम ब्यून बेखुम है उनका जन्म छ मई उन्नीस में बुचियोन ग्योंगी प्रोविंस साउथ कोरिया वहां हुआ था एक 100 में मेन वोकलिस्ट है 10 जुलाई 2019 उन्होंने एज अ सोलो डेब्यू किया था बेहूम साथ ही साथ एक्टर भी है, चैन। चैन का पूरा नाम कीम है। उनका जन्म उनका जन्म 21 सितंबर उन्नीस में बानवे में प्रोविंस साउथ कोरिया में हुआ था वो 100 में मेन वोकलिस्ट है उन्होंने 2019 में अप्रैल एंड फ्लावर एल्बम के साथ एज ए सोलो डेब्यू किया था नंबर छ चैन्यूअल चैन्यूअल का पूरा नाम पाक चैन्यूअल है उनका जन्म 27 नवंबर उन्नीस में सोल साउथ कोरिया में हुआ था वो एक्सो में मेन रैपर और वोकेलिस्ट है उन्होंने एक्सो का हेग्जागॉन लोगो डिजाइन किया था और साथ ही साथ चैन्यूअल एक एक्टर भी है नंबर सात डीओ डीओ का पूरा नाम डीओ क्यूंगसू है उनका जन्म 12 जनवरी उन्नीस में गोयोंग ग्योंगी प्रोविंस साउथ कोरिया में हुआ था वो एक्सो में मेन वोकलिस्ट है और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं २०२१ में उन्होंने एज अ सोलो डेब्यू किया था नंबर आठ खाई खाई का पूरा नाम किम जोंगिन है उनका जन, जन्म १४ जनवरी उन्नीस में सुन साउथ कोरिया में हुआ था उन्होंने ३० नवंबर 2020 में डेब्यू किया था काई साथ ही साथ मेन डांसर और वोकलिस्ट भी हैं और आपको बता दें कि काय साथ ही साथ एक्टर भी हैं नंबर नौन सेहुन. सेहुन का पूरा नाम ओ उनका जन्म 12 अप्रैल उन्नीस में सोल साउथ कोरिया में हुआ था वो एक्सो में रैपर और डांसर भी है और वो ग्रुप में सबसे छोटे हैं। और सेहुन एक, एक एक्टर भी है एक्सो की इंडिया में बहुत फैन फॉलोइंग है 2023 में एक्सो फुल में कम करने वाले हैं तो क्या आप 2023 के कम के लिए एक्साइटेड हैं? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा